यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल पर। और एग्जिट पोल में वही है जो 4 जून को आपको ईवीएम से पता चलेगा। हमने कोशिश की है कि सबसे एक्यूरेट और सबसे सटीक नंबर आप तक लाएं। 4 जून को क्या होगा इसका ट्रेलर हम आपको बताना शुरू कर चुके हैं। नवभारत पर आप अब तक के दूसरे सबसे लंबे चुनाव की सटीक भविष्यवाणी शाम 5 बजे से देख रहे हैं। अब तक आप देख चुके हैं कि दक्षिण में क्या हो रहा है। हम आपको उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड के नतीजे भी बता चुके हैं। अब तक हमारे एग्जिट पोल में 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 150 सीटों पर और इंडी अलायंस लगभग 69 सीटों पर है और अन्य 24 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो आंकड़ा है 272 का, उसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन है ये आप ऊपर नंबरों में देख सकते हैं। बारी अब उत्तर प्रदेश की है। 2024 के चुनाव का असली रोमांच अभी बाकी है। यूपी का नतीजा तो बताएंगे ही कि 4 जून को तूफान आ रहा है या हवा टाइट हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आगे के नतीजे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज इंडी अलायंस ने भी अपना आंकड़ा बता दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर पर हुई बैठक के बाद इंडिया अलायंस ने दावा किया कि उनकी 295 सीटें आ रही हैं, ऐसा सारे लीडरों ने बैठकर अपने आंकड़े तय किए। लेकिन क्या मोदी के 400 पार के दावे के आगे इंडिया अलायंस की 295 सीटें टिक पाएंगी? यूपी का नतीजा बताने के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, पंजाब में केजरीवाल फैक्टर कितना असरदार है और हरियाणा में क्या होगा, क्या बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, ये सब कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे। और आज इस डिबेट पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। संजय झा कांग्रेस के सस्पेंडेड लीडर हैं लेकिन हर चुनाव में हमारे साथ आते हैं। प्रोफेसर आनंद रंगनाथन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। पीयूष तंवर रिसर्च हेड हैं ईटीजी के, ईटीजी रिसर्च, जिन्होंने ये सर्वे किया है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ भी आगे कहें, चलते हैं
उत्तर प्रदेश के नंबरों की तरफ और उत्तर प्रदेश के नंबर इस स्क्रीन पर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के रुझान किस तरफ जा रहे हैं, एनडीए को कितनी सीटें आने वाली हैं, ये देखिए। एनडीए को 66 से 70 अगर एवरेज लेंगे तो 68 सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन को लगभग 10 से 13 के बीच में नंबर आने वाले हैं। बीएसपी शून्य पर रहेगी, बाकी पार्टियां जो है वो शून्य से एक पर इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी जो यहां पर दावा कर रहे थे कि उन्हें बहुत सीटें मिलेंगी, बल्कि अखिलेश यादव जी ने तो कहा था बस एक सीट काशी की फंसी हुई है, बाकी 79 सीटें शायद इंडिया गठबंधन को आने वाली हैं। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 10 से 13 सीटें इंडिया गठबंधन को, 66 से 70 सीटें एनडीए को। अगर वोट शेयर भी देखें तो वोट शेयर में इस वक्त हमारे सामने है एनडीए गठबंधन को 51% वोट है, इंडिया गठबंधन को 34%, बीएसपी 9% पर है, अन्य जो है वो 6% पर। 51% पर अगर एनडीए है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी एनडीए के लिए। पार्टी वाइज अगर हम देखें तो पार्टी वाइज ब्रेकअप है, बीजेपी लगभग 61 से 64 सीटों पर और कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर, समाजवादी पार्टी लगभग 9 से 11 सीटों पर, बसपा 0 पर, राजभर की पार्टी 1 पर, ये आरएलडी की पार्टी जो है 1 से 2 पर, तो ये भी जाएगा बीजेपी के खाते में, ये भी जाएगा बीजेपी और एनडीए के खाते में। और पार्टी वोट शेयर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी 30% पर, कांग्रेस 4% पर, 47% पर बीजेपी नजर आ रही है। बीएसपी का वोट घट के 9% पर, आरएलडी 1% पर, अपना दल 1% पर और निषाद पार्टी 1% पर। तृणमूल कांग्रेस भी चंदौली की सीट लड़ी थी, शायद खाता नहीं खुलेगा वहां पर, और अन्य 6% पर। ये पिछले तीन चुनावों का कंपैरिजन अगर हम देखें तो 2014 में 71 बीजेपी की सीटें एग्जिट पोल में थी, 62 सीटें 2019 में, 64 सीटें इस बार आने की अनुमान है बीजेपी का। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी पिछले दोनों चुनावों में, इस बार 10 सीटों तक जाने का अनुमान है। कांग्रेस 2 पर थी, 1 पर आ गई, इस बार भी 1 जीतने वाली है। बीएसपी 0 पर थी 2014 पे, 10 सीटें जीती थी 2019 में, 1 सीट इस बार दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है 0 यहां पर कुछ गलती है, ये 0 था, हमने पिछले स्लाइड में 0 दिखाया था। और अन्य पार्टियों के ये 4 सीटें हैं। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश का आंखों देखा हाल। पूछूंगी राजकुमार भाटी जी, उम्मीद से कम या ज्यादा, इससे पहले के भाटी जी के पास जाऊं, सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या ये आपके अनुमान के अनुकूल हैं नंबर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं? देखिए, जो आपका सर्वेक्षण दिखा रहा है, मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल दिशा सही दिखा रहा है, मगर गंतव्य में हमारा अनुमान और आपका अनुमान अलग है, मीन्स द डायरेक्शन।